तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्समैन मूवी के बारे में, जो 2000 में आई थी, यानी एक्समैन की लाइव एक्शन मूवी की फर्स्ट मूवी ये थी। और ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी मूवी थी जिससे मैंने पैसे कमाए थे। मतलब ये जब मूवी रिलीज हुई थी तब यहाँ पर कोई मुझे पता तो था नहीं कि थिएटर्स में जाते हैं इसको देखने के लिए, तब इतनी नॉलेज तो थी नहीं। तो मेरे ही जान पहचान के एक भैया थे जिन्होंने एक दुकान ओपन की थी सीडी डीवीडी की, तो मैंने उनसे ये सीडी जो है वो उधार ली थी, उधार क्या किराए पे ली थी। और मेरे एक दोस्त ने सीडी प्लेयर का प्रबंध किया था। फिर हम किसी तीसरे दोस्त के घर पे गए थे जिनका टीवी हमने यूज किया था, और हमने यहाँ पर अपने ही दोस्तों से पैसे लिए थे ताकि इस सीडी के किराया हम दे सकें। ऐसी मूवीज होती हैं जो हमारी लाइफ से कनेक्ट होती हैं, जिसको हम देखते हैं तो हमारे बचपन की यादें आ जाती हैं कि हाँ हम अपनी लाइफ में ऐसे जिया करते थे, हमने इस मूवी को ऐसे इंजॉय किया था। तो यार उस वक्त की लाइफ जहां पर ना हमें कोई फिक्र थी ना ही हमें अपने करियर की चिंता थी, बस बेफिक्री से उस वक्त जी रहे थे। सबकी लाइफ में ऐसी कोई ना कोई मूवी उनसे कनेक्ट होती है। एक्समैन मूवी की स्टोरी की बात करूं तो देखो यार, एक ऐसी मूवी जिसमें स्टार्टिंग हुई है म्यूटेंट की, पहली बार म्यूटेंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे लाइव एक्शन मूवी के दौरान। और ये मूवी 2000 में आई थी तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत आप लोगों को ओल्ड फीलिंग थी। और इसकी जो स्टोरी है वो ठीक ठाक है, मैं उसको इतना ज्यादा अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं। इसके देखो मूवी में बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको स्टोरी तो ठीक ठाक है लेकिन इसको बहुत अच्छे से संभाल लिया है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर उनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इस मूवी के अंदर मैग्नेटो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हो जाता है तो उसका बड़े पैमाने पर वो यूज करने वाला होता है, जब ऐसा इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। अब देखो यार मैग्नेटो और प्रोफेसर की इसके अंदर जैसी बॉन्डिंग दिखाई गई है वो एक दूसरे से, हाँ वो दोस्त होते हैं लेकिन वो उनकी दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली वो आने वाली मूवीज में दिखाया जाता है। और मैग्नेटो की एक जो सोच है कि म्यूटेंट जो है वो इंसानों से ऊपर, वही प्रोफेसर चाहते हैं कि म्यूटेंट को इंसानों के बराबर का दर्जा मिले। जो आइडियोलॉजी की जो इसके अंदर लड़ाई दिखाई गई है कि प्रोफेसर की लड़ाई म्यूटेंट को बराबर हक दिलाने की है, मैग्नेटो की जो आइडियोलॉजी जो है वो म्यूटेंट को इंसानों से ऊपर करने की है, तो ये जो लड़ाई है आइडियोलॉजी की वो काफी ज्यादा अच्छी है इस मूवी में। मतलब इस मूवी की जो कहानी है जो मैंने कहा एवरेज है, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है इसको और ज्यादा अच्छा बनाता है। और ये एक्समैन की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी थी। इससे पहले जो मैंने एक्समैन जो थे इसको देखने से पहले मैंने टीवी के ऊपर एनिमेटेड सीरीज आया करती थी एक्समैन के नाम से, तो वहां पर मैंने रोग, वॉल्वरिन, साइक्लोप, स्टॉर्म, बीस्ट इन सबको देखा हुआ था। तो एकदम एक्साइटेड था यार इस मूवी को देखने के लिए, यार इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस मूवी को देखते वक्त पता चलता है कि जैसा हमने एनिमेटेड सीरीज के अंदर देखा हुआ था कि वो म्यूटेंट जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं लोगों से, सेम टू सेम ऐसा ही इसके अंदर दिखाया गया। और लगता है कि इसमें जो म्यूटेंट है वो वाकई में अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, ऐसा कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। बाकी की एक्समैन की मूवीज देखो आप, उसमें आपको ऐसा लगेगा यार यहां पर कोई भी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहता, बस यहां पर जो है वो लोग सिर्फ लड़ाई करना चाहते हैं। एक्समैन 1, एक्समैन 2, एक्समैन 3 और वोल्वरिन की मूवीज, इनको अगर आप साइड में हटा दो, बाकी की जो एक्समैन मूवीज बन जाती है देखो उनके अंदर इतना करिश्मा नहीं रहा है जितना इसकी स्टार्टिंग की जो एक्समैन की मूवीज में रहा, जिस तरीके से हमें कनेक्ट किया, नई नई चीजें हमारे सामने लेके आए। लेकिन बाद वाली जो मूवीज आती हैं एक्समैन की, उसके अंदर यार वो फीलिंग नहीं होती, उसके अंदर ना ही कोई रिलेशनशिप सही ढंग से बिल्डअप किया गया है, वो सारी चीजें हमें मिस लगती हैं बाकी की जो नई एक्समैन मूवीज आती हैं उनमें। दूसरा फैक्टर जो इस मूवी को और अच्छा बनाता है वो है इसके अंदर जो रिलेशनशिप दिखाई गई है साइक्लोप यानी कि स्कॉट और जीन के बीच में, और वहां पर वोल्वरिन का आना। और यहां पर एक एंगल आता है हमारे सामने रोग का भी, रोग जो है वो वोल्वरिन को पसंद करती है लेकिन इनके बीच में वो चीज नहीं बन पाती है। मतलब कि यहां पर रिलेशनशिप के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया गया है। और इस मूवी को देखते वक्त आपके सामने बहुत सारे ऐसे करेक्टर आएंगे जिनके बारे में ऑब्वियसली आप जानना चाहेंगे, और फर्स्ट टाइम वोल्वरिन के हाथों से लोहे के पंजे निकलते वक्त देखना यार वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। और वोल्वरिन का इसके अंदर जैसे रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो अपनी याददाश्त भूल चुका है, ऑब्वियसली उसके बारे में वोल्वरिन ओरिजिन के अंदर बताया जाता है कि हाँ वोल्वरिन अपनी याददाश्त कैसे भूला, उसका जन्म कहां हुआ वहां पर दिखाया जाता है। लेकिन इसके अंदर एक मिस्ट्री बना के यहां पर रखी जाती है, जैसे जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है उसकी याददाश्त जा चुकी है लेकिन वो जीन को पसंद करने लग जाता है। और ये थर्ड मूवी तक चलता रहता है, एक्समैन 1, एक्समैन 2, एक्समैन 3 तक, ये 3 तक चलता रहता है। और इस मूवी में जो मैग्नेटो की टीम में जो सेबरटूथ दिखाया गया है जो वोल्वरिन का भाई होता है, और जो वोल्वरिन की जो अलग से जो मूवी आई थी वोल्वरिन फर्स्ट जो मूवी थी उसके अंदर जो सेबरटूथ था, इन दोनों सेबरटूथ को अलग अलग लोगों ने निभाया। और सच कहूं दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया इसके अंदर। आप देखोगे एक्समैन फर्स्ट मूवी के अंदर तो भाई साहब एक अलग ही डर है इस इंसान का। और इसी मूवी के अंदर आप प्रोफेसर और वोल्वरिन के बीच का जो एक रिलेशन है वो बिल्डअप होता हुआ देखोगे, जैसे दोनों बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करते हैं। प्रोफेसर बताता है कि उसने ये जो स्कूल है वो क्यों शुरू कर रखा है, वोल्वरिन से पूछता है। लेकिन वोल्वरिन का यहां पर आप करेक्टर देखो तो यार वो किसी की बात नहीं मानता, अड़ियल सा है। इस मूवी के अंदर प्यार, लव, जेलसी इन सब चीजों का जो ये फैक्टर यहां पर इन्वॉल्व किया गया, सच कहूं ये जो है चीजें इसको और ज्यादा अच्छी बना देती है। मतलब कि इनसे हम बहुत अच्छे से इस मूवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जितनी की जो बाकी मैंने कहा ना एक्समैन की स्टार्टिंग की 3 मूवी और वोल्वरिन की मूवी को हटा दो, बाकी की मूवीज में वो करिश्मा नहीं है यार, वो इतना अच्छे से हम उनमें कनेक्ट नहीं हो पाते। और अब इस मूवी के एक्शन की बात करूं तो
ये फर्स्ट मूवी है जहां पर हमारे सामने म्यूटेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इतने ज्यादा इसके अंदर म्यूटेंट हमें नहीं दिखाए जाते हैं जितना इसका एक्समैन सेकंड मूवी आई थी, एक्समैन 3 मूवी आई थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेंट थे, लेकिन इसके अंदर इतने म्यूटेंट नहीं है। एक्शन भी बहुत कम रखे गए एज कंपेयर टू बाकी की जो दो मूवीज आई थी, बट ये जो स्टार्टिंग मूवी है ये बेस तैयार करती है और बहुत अच्छे से हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई है। हाँ, कहानी एवरेज है, लेकिन इसके बाकी के जो फैक्टर इसको और अच्छा बना देते हैं। और हमारे सामने फर्स्ट टाइम लाइव एक्शन मूवी के दौरान नए नए जो म्यूटेंट हम देखने को मिलते हैं वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे सामने रखते हैं। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 8 out of 10। अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो मैं जरूर रिकमेंडेड करूंगा कि आप अगर एक्समैन को पसंद करते हैं और आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो यार आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, जहां से शुरुआत हुई है एक एक्समैन लेगेसी की। आप जाकर ये जरूर देखना, और जिन्होंने देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने ये मूवी कब देखी थी, तब मतलब क्या माहौल था, कैसा वहां पे सिचुएशन थी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।